नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मीतास कुकिंग रेसिपी। आइए कुछ नया बनाते हैं, जिंदगी में खुशियाँ मनाते हैं। गर्मियाँ बिना लस्सी के अधूरी मानी जाती हैं और लस्सी बहुत फ़ायदा भी करती है, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्पेशल केसर मावा लस्सी की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो हमारी ये राजस्थानी स्पेशल डिश बनाने के लिए ये मैंने आधा किलो दही लिया है। ये देखिए इस तरह का एकदम गाढ़ा दही लिया है मैंने, और साथ में लिया है मैंने ये मावा। ये मैंने केसर को थोड़े से गर्म दूध में भिगो दिया था। चीनी को मैंने पीस लिया है, आधा कप चीनी ली है। ये हमारे थोड़े से बादाम और काजू हैं, और ये मैंने थोड़ा सा ठंडा दूध लिया है। अब दही में मैं ये चीनी डाल दूँगी और ये मावा का एक टुकड़ा लूंगी, इसको इसमें ग्रेट करके मिला देंगे। मावे से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है लस्सी में, और साथ ही इसमें डालेंगे हम ये केसर वाला दूध। और सब चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, हैंड ब्लेंडर से सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इस टाइम आपको लगे कि आपकी लस्सी बहुत गाढ़ी है, तो ये जो हमने ठंडा दूध लिया था इसको थोड़ा सा ऐड कर देंगे। और हमारी मक्खनिया लस्सी अब सर्व करने के लिए तैयार है। ये देखिए लस्सी को मैं कुल्हड़ में भर रही हूँ, और इसके ऊपर हम डालेंगे पहले थोड़ी सी फ्रेश मलाई, फिर ऊपर से इसमें डालेंगे हम केसर, थोड़ा सा ग्रेटेड मावा और लास्ट में इसको ड्राई फ्रूट्स डाल के सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है और आपको आगे भी मेरी इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपी देखना पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।